नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज आपको बता रही हूं शुक्र को एकदम शानदार बनाने के उपाय। कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित है, बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, पैसे की दिक्कत हो रही है, घर में कोई साधन नहीं आ पा रहे हैं, टीवी फ्रिज एसी वैसी की दिक्कत हो रही है, चाहते हुए भी पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है, पत्नी से झगड़ा होता रहता है, पत्नी बार बार रूठ जाती है, घर में कुल मिला के कलह का वातावरण है, पत्नी आपको फूटी आँख नहीं सुहाती, जिसकी वजह से मारपीट झगड़े होते हैं घर में, तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकलेगा रसगुल्ले के इस छोटे से उपाय से। और मित्रों, मैं आज आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर साधना कर रही हूँ। बिना देरी की अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए मित्रों, क्योंकि ये जो समय है ना, खिसकता जा रहा है। ये जो 2020 है, इसमें बहुत भुगता है सबने। अब 2021 में ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए अभी से उपाय करने जरूरी हैं। इंतज़ार मत करो कि 2021 चालू होगा फिर पूछोगे। तुरंत उपाय करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोई भी व्रत उपवास बताते हैं, मंत्र बताते हैं, तो बहुत हज़ारों की संख्या में होते हैं और उनको करने में कम से कम 3 से 6 महीने का समय लग जाता है। तो बिना देरी के तुरंत संपर्क करिए, जिससे कि आपकी कुंडली में किस तरह से आप अपने भाग्य को जागृत करें, अपनी बिगड़ी बना लें, बहुत कुछ अपने अनुकूल बना लें जो आपके प्रतिकूल चल रहा है, हर तरह की विपदा को दूर कर सकें, इसके लिए परामर्श लेना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा काम है मित्रों आपको सलाह देना, आपकी भलाई चाहना, बाकी आप स्वयं निर्णय लें। जब तक आप मन से मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप परामर्श मत लीजिए। मित्रों, सही लोगों से जुड़िए, जिससे कि आपका पैसा वेस्ट ना हो और सही जगह से परामर्श लेकर आपके उपाय करने से आपको फ़ायदा हो सके। तो मित्रों, आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। आज मैं बता रही हूँ शुक्र हो जाएगा शानदार अगर आप रसगुल्ले के ये उपाय करोगे। सफ़ेद चीज़ों में शुक्र का वास होता है और सफ़ेद चीज़ों में शुक्र को कुछ लोगों को दान करना होता है, कुछ लोगों को स्वयं ग्रहण करना होता है। तो शुक्रवार के दिन एक रसगुल्ला या दो रसगुल्ले अगर गाय को खिलाते हैं, तो धीरे धीरे आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा, पैसा ठहरने लगेगा। ये अद्भुत टोटका है। गाय सफ़ेद होनी चाहिए, सफ़ेद गाय को खिलाना है, और गाय को जब भी आप खिलाएं तो धरती पर नहीं रखने हैं रसगुल्ले, गंदगी में नहीं रखने हैं, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए इसको, अच्छे तरीके से किसी स्वच्छ जगह पर रखकर ही गाय को खिलाएं। अखबार के साथ में, प्लास्टिक की थैली के साथ में नहीं खिलाएं आप, क्योंकि गाय माता उसको भी ग्रहण कर लेती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दोष लगता है। इसके अलावा अखबारों में नेगेटिव खबरें भी होती हैं, और उसको आपको भूल कर भी, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, अलमारियों में बिछाना नहीं चाहिए, अखबार को में कुछ रखकर खाना भी नहीं चाहिए, तो ये बहुत तरह की समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो रसगुल्ला किस तरह से खिलाना है आपको समझ में आ गया होगा। ये हर कोई कर सकता है, इसमें किसी प्रकार के कोई राशि लगने की दिक्कत नहीं है। अब आपको बताती हूँ, अगर आपको धन की कामना है, आपका बिजनेस ग्रोथ करना है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन खीर के साथ साथ रसगुल्ले का भी भोग जरूर लगाएं। रसगुल्ले का भोग लगाने से शुक्र ग्रह शानदार रिजल्ट देता है। इसके अलावा लड़के जो हैं या आदमी जो हैं, वो सफ़ेद रंग के कपड़े शुक्रवार को पहने, और स्त्रियां जो हैं वो गुलाबी रंग के कपड़े या लाल रंग के कपड़े पहनकर रसगुल्ला खाती हैं, तो उस दिन भी उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी के बर्तन में रखकर रसगुल्ला खाइए, आपका धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा, और बहुत पैसा आपके लॉकर में भी और आपके बैंक में भी, लॉकर में आप जेवर रख पाएंगे और अकाउंट्स में खूब पैसा आपके आ जाएगा। तो कुल मिला के ये रसगुल्ले का टोटका जिसने भी अपनाया है, ये कभी फेल हुआ ही नहीं है। अब इस पे और आपको बताती हूँ, चंद्रमा और शुक्र और बढ़िया करना है आपको, तो इस पे जो रसगुल्ला है, इस पे वर्क लगा हुआ खाइए या रसमलाई की फॉर्म में इसको खाइए, तो भी अमेजिंग वर्क करता है ये, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है लड़कों की, जिनकी कुंडली में शुक्र छठे घर में है, जिनकी कुंडली में सिंह राशि में शुक्र बैठा हुआ है, तो जब भी किसी लड़की से बात होती है, बात टूट जाती है हमेशा, कोई लड़की उनको पसंद नहीं करती है, और शादी हो भी जाती है तो भी ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं आती है मित्रों। तो ऐसे लोग रसगुल्ले गरीब कन्याओं को हर शुक्रवार को बांटें, साथ में केले भी बांटें। ऐसा करने से उनकी समस्या दूर होगी। शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप करें, कभी भी किसी स्त्री का अपमान ना करें। जिन लोगों को कभी भी रोजगार में दिक्कत आ रही है, धन की दिक्कत आ रही है, तो वो निश्चित रूप से स्त्रियों का अपमान करते हैं। जो मनुष्य अपने घर की लक्ष्मी का अपमान करता है, उसकी ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं लग सकती, उसका कभी व्यवसाय चल नहीं सकता, ये गारंटेड है। तो ऐसे लोग सबसे पहला काम तो यही करें कि किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, किसी कन्या का अपमान ना करें, किसी भी स्त्री को गंदी नज़र से ना देखें, तब ये उपाय काम करेंगे। इसके अलावा जो तौलिया है वो सफ़ेद रंग का ले में काम में, पिलो कवर सफ़ेद ले में,
ये लड़कों के लिए विशेष कारगर उपाय है जिनकी शादी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनकी कुंडली में निश्चित रूप से शुक्र पीड़ित होता है और जो बहुत बड़ा कारण होता है उनका कहीं भी वैवाहिक संबंध नहीं बन पाता है, रिश्ता नहीं जम पाता है, हर कोई आता है और रिश्ता टूट ही जाता है, सगाई टूट जाती है। तो कुल मिला के ये चीज़ बहुत कारगर है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन की मधुरता खत्म हो गई है, पति पत्नी हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो वो हर शुक्रवार को रसगुल्ला खाना चालू कर दें, डेली एक रसगुल्ला खाएँ तो फिर कहना ही क्या है, और रसगुल्ला खाने से उनकी जिंदगी बिल्कुल चमकदार बन जाएगी, जिंदगी में शाइनिंग आने लग जाएगी, जिंदगी जीने की इच्छा होगी, मरमर कर नहीं जीना पड़ेगा, जिंदगी जीने की इच्छा होगी, क्योंकि जिंदगी से उत्साह खत्म हो जाता है जब शुक्र खराब होता है, व्यक्ति भोग नहीं पाता है सुखों को। शुक्र को अच्छा करने के लिए एक ही कपड़े को बार बार नहीं पहनना चाहिए, एक कपड़े को आपने पहना दोबारा उसको धोकर ही आपको पहनना चाहिए, ये सबसे बड़ा टोटका मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप रसगुल्ला खाएं तो आपके शरीर पर साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, कभी भी मैले कुचैले कपड़े, टॉयलेट जाकर आए हैं और सलवटे पड़े हुए कपड़े हैं और उसके बाद फिर आप रसगुल्ला खाओगे तो भी आपको ये फलीभूत नहीं होगा। इसकी शर्त यह है कि साफ़ सुथरे कपड़े आपके शरीर पर होने चाहिए, धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े आपके शरीर पर होना चाहिए, पूरा श्रृंगार करें, तैयार होएं, खुशबू लगाएं, इत्र लगाएं, पाउडर लगाएं, कॉस्मेटिक्स का यूज़ करें जो अच्छे क्वालिटी के हैं, उसके बाद फिर आप बैठकर बहुत ही अच्छे मूड से फूलों का गुलदस्ता पास में रखें और फिर आप रसगुल्ला खाएं, फिर देखें चमत्कार कैसे शुक्र आपका प्रभावी होता है, कैसे शुक्र आप पर मुदित होता है, कैसे शुक्र आपको सारी खुशियां देता है। तो रसगुल्ले का ये उपाय गरीब भी कर सकते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है वो भी कर सकते हैं। तो मित्रों, रसगुल्ले का ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, गरीब कन्याओं को आप चाहें तो एक एक किलो के डिब्बे आते हैं और आप नवरात्रों में भी बांट सकते हैं, आप एक एक किलो का डिब्बा नौ कन्याओं को दें, बटुक को दें, तो बहुत ज़्यादा आपका शुक्र अच्छा हो सकता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक एक रसगुल्ला कन्याओं को बांटें, इससे शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। इस पर चांदी का वर्क लगाएं, उससे चंद्रमा भी बढ़िया होता है और शुक्र और चंद्रमा का राजयोग आपकी कुंडली में निर्मित होता है। तो कुल मिला के इस तरह के उपाय आप करें जिससे कि आपका खर्चा भी कम होगा और आपको फ़ायदा भी बहुत ही ज़्यादा होगा। शुक्र ग्रह सारी भौतिक सुख सुविधा को देने वाला होता है और शुक्र ग्रह को जब तक अच्छा नहीं करेंगे तब तक जीवन में खुशहाली भी नहीं आ सकती है। तो शुक्र ग्रह के मंत्रों का भी जाप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, श्री यंत्र पूजा में रखें, कनक धारा यंत्र पूजा में रखें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो अथाह धन संपदा घर में विद्यमान होती है। लेकिन लक्ष्मी जी को जो भोग लगाते हैं उसमें रसगुल्ले का प्रयोग जरूर करें आप। रसगुल्ले के मैंने आपको बहुत सारे प्रयोग बताए, तो उम्मीद करती हूँ आज की जो ये वीडियो है आप काफ़ी पसंद करेंगे। पसंद आए तो आप लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, मेरे दिल को छूता है। इसी प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल बटन भी दबाना मत भूलिए, मेरी पुरानी वीडियो भी देखिए, 3000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं। आप डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए, मेरी पुरानी वीडियो निकल कर आएंगी, उनको भी देखिए, क्या पता आपकी किस समस्या का सॉल्यूशन मेरी किस पुरानी वीडियो में छुपा हुआ हो। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी वीडियो का भी आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।